आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना? फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे। फ्रेंड्स, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों से सपना अपने ससुराल की करतूत क्यों छुपा रही थी। सपना जब इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है पिछले 5 सालों से, जब से उनकी शादी हुई, तो अब जाके सपना ने रिकॉर्डिंग वायरल क्यों करी जब उनके पति उनके साथ इस तरीके से हैवानियत करते थे बंद कमरे में। और उनके घर में इतने सारे सदस्य होने के बाद भी सपना का बीच बचाव करने कोई क्यों नहीं आता था? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सपना के जो दादा ससुर है उनका कमरा सपना के कमरे के पास ही था। राजवीर चौधरी भी घर में रहते थे, अंशु चौधरी भी घर में रहती थी, यहाँ तक कि सपना के जो ससुर हैं वो भी अपने आप में नामचीन इंसान आने पूरे गांव में, तो भी वो क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बेटे को डांट फटकार लगाए? या फिर ये परिवार ही ऐसा है कि जो अपनी औरतों पे जुर्म करता है, इसलिए शायद इनको भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी है? राजवीर चौधरी के जो भी कुछ हुआ कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मों का ही नतीजा है। सूरज चौधरी ने कुछ ऐसी गलतियाँ करी होगी, सूरज चौधरी का जिस तरीके का नेचर है हिंसक टाइप का, उन्होंने ऐसी गलतियाँ करी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने आसपास में बहुत से ऐसे दुश्मन बना लिए होंगे, जिस वजह से राजवीर चौधरी को उसका भुगतान करना पड़ा। और परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं कि राजवीर चौधरी के केस की जांच करवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि अपना सिक्का ही खोटा था। अगर ये सब कुछ करने जाएंगे तो बहुत सी बातें ऐसी निकल के सामने आ जाएगी, शायद इन्होंने जो कुछ भी अपनी पिछली ज़िंदगी में किए होंगे। सपना ने बहुत हिम्मत करके सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि सपना को भी कहीं ना कहीं अपनी जान का डर है कि ऐसा तो नहीं कि सपना ने कुछ गलती कर दी। ऐसा सब कुछ बोल के सपना का वीडियो नहीं आ रहा है, जिससे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चिंतित है कि सपना ने क्या बोलते हैं पानी में रह के मगरमच्छ